हाय, मैं हूँ हमारे जास विद सुपर गॉसिप। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर लॉलीवुड, सबकी मज़ेदार और चटपटी गॉसिप्स होंगी हमारे साथ। कौन कर रहा है पैचअप, किसका हुआ ब्रेकअप, कौन हुआ सुपर हिट और कौन हुआ फ्लॉप, ये सब और बहुत कुछ होगा हमारे साथ। सोशल मीडिया पे आजकल वेडिंग सीजन ऑन है। सीनियर क्रिकेटर्स के बाद जूनियर क्रिकेटर्स भी आ गए हैं शादी की लाइन में। क्रिकेटर हसन अली भी शोएब मलिक के नक्शे कदम पर चलते हुए ले आए हैं इंडिया से भाभी, और ज़हीर अब्बास, मोहसिन खान और शोएब मलिक के बाद बन गए हसन अली चौथे दामाद इंडिया के। अब मसला ये है कि भाभी तो आ गई हैं, लेकिन रहेंगी कहाँ, हसन अली के साथ अपने ससुराल में या फिर मैके में, या फिर वो भी नेशनल भाभी की तरह किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर अपना ख्वाबों का घर सजाएंगी। एक इंटरव्यू में सामिया बता रही थी कि उन्हें कभी क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ये बोल्ड क्या होता है, और रन आउट उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस हसन अली ही रहते थे। हसन अली ने क्या शादी की दौड़ में हिस्सा लिया, इमाद वसीम भी किसी से पीछे नहीं रहे और कर गया दूल्हा बनने का फैसला। लेकिन इस बार जो भाभी हैं वो ना ही पाकिस्तानी हैं और ना ही इंडियन, बल्कि यूके सिटीजन हैं। क्रिकेटर्स के बाद अब बात करते हैं शोबिस के एक ऐसे सितारे की जिसकी परवाज में है जुनून, लेकिन उनकी परवाज ले उड़ी है नेमल खावर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। बात करते हैं हमजा अली अब्बासी और नेमल खावर की शादी की। ये न्यूज़ क्या ब्रेक हुई, सारे फैंस के सपनों पर पानी फिर गया। हमजा अली अब्बासी ने जैसे बताया था कि उनका वलीमा और शादी होगी बिल्कुल सिंपल, सेम ऐसे ही उन्होंने अपना निकाह किया बिल्कुल सादगी से, और नेमल ने पहना अपनी अम्मा का जोड़ा निकाह पर। बहुत ही सिंपल और डिसेंट था, और ना ही कोई ढोल धमाका और ना ही कोई शोर शराबा। तकरीब वलीमे की तकरीब भी बहुत ही डिसेंट और सिंपल रही, लेकिन हमारे लोगों को तो क्रिटिसाइज़ के अलावा कुछ और सूझती ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इस सिंप्लिसिटी को भी कह दिया कि क्या ये सिंप्लिसिटी ही है। रह गई बात इस सिंप्लिसिटी की, तो वहाँ ने उनको कुछ मिला तो वो पहुँच गए उमर पर। बोल लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कहाँ वो नेमल 25 साल की और कहाँ हमजा 35 साल की, ये भी कोई मैच हुआ। इसके बाद वो पड़ गए नाहिद शबीर की शादी पर। नाहिद शबीर ने इतनी बड़ी उम्र में शादी कर ली, इतनी इनको ज़रूरत क्या पड़ी थी, सिर्फ क्रिटिसाइज और कुछ भी नहीं। क्रिटिसिज्म के अलावा लोगों को कुछ आता ही नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो। मज़ीद खबरों और गॉसिप्स के लिए रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीक भी। जब तक के लिए अपनी होस्ट अमारा एजाज को इजाज़त दीजिए, और हाँ, गोया लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर थम्सअप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।